और एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच इजरायली सेना का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इजरायली सेना ने इस बात का दावा किया है कि उसने युद्ध शुरू होने से अब तक हमास के 10 बड़े लीडर्स को मार गिराया है। साथ ही सेना का ये भी कहना है कि 10 बड़े लीडर हमास के ब्रिगेड कमांडर थे या फिर बटालियन कमांडर थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है, युद्ध के बीच में इजरायली सेना की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। इजरायली सेना ने इस बात का दावा किया है कि युद्ध की शुरुआत होने से और अब तक हमास के 10 बड़े लीडर्स को मार गिराया गया है। साथ ही सेना की तरफ से यह भी कहा गया कि 10 बड़े लीडर हमास के या तो ब्रिगेड कमांडर थे या फिर बटालियन कमांडर रह चुके हैं। तो युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में इजरायली सेना की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया जहां पर अब तक हमास के 10 कमांडर मार गिराए गए हैं। हालांकि लगातार हमास की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हमास के 10 बड़े नेता, क्योंकि जिस वक्त हमला किया गया था उसके बाद से लगातार इजरायल ने इस बात को साफ कर दिया था कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। इस वक्त गाजा सिटी में आमने सामने की जंग चल रही है। दूसरी तरफ हमास लगातार इजराइल पर हमले भी कर रहा है। कल हमास की तरफ से इजराइल बॉर्डर पर मौजूद एक स्कूल पर मोर्टार दागे गए हैं। उसी स्कूल कैंपस से न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि स्थिति क्या हो चुकी है। इस वक्त हम लोग लेबनान इजराइल बॉर्डर के करीब है, नहारिया शहर में और भूमध्य सागर के तट पे है। लेकिन भूमध्य सागर के पास क्या स्थिति है समंदर के अंदर, वो आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे पीछे में आप देख सकते हैं एक पेट्रोल बोट है, पेट्रोल शिप है, वो लगातार निगरानी रख रहा है समंदर की सीमाओं पर, क्योंकि यहां से लेबनान की सीमा महज 8 किलोमीटर की दूरी पे है। समंदर के रास्ते किसी तरह का इंक्रोचमेंट ना हो, सीमाओं में दखलअंदाजी ना हो, उसके लिए इन पेट्रोल बोट्स को आप देख सकते हैं, ये नेवी से जुड़ा है और ये लगातार समंदर में। इस वक्त हमें 3 पेट्रोल बोट्स दिख रहे हैं, इस वक्त आपको न्यूज 18 इंडिया सामने में आपको दिखा रहा है पेट्रोल बोट्स, लगातार दिन हो या रात लगातार इसी तरह से निगरानी करते रहते हैं। दूसरी तरफ इधर लेबनान है, वहां भी आप देख सकते हैं हमसे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पेट्रोल बोट्स है जो कि लेबनान बॉर्डर पे है, और उसके आगे भी कई बोट्स है, क्योंकि लेबनान और इसराइल की सीमा सिर्फ जमीनी नहीं है बल्कि भूमध्य सागर से भी जुड़ती है। तो भूमध्य सागर से कोई अतिक्रमण न करे, आपको याद होगा गाजा बॉर्डर से बहुत सारे जो हमास के आतंकवादी थे उन्होंने समंदर के रास्ते अतिक्रमण किया था इजराइल में। और ये चौथा लोकेशन जो हमें दिख रहा है, यहाँ से बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नेवी से ही जुड़ा लोकेशन है जो निगरानी में यानी समंदर की निगरानी में अपनी भूमिका निभाता है। बहुत सारे ऐसे लोकेशन होते हैं जो नेवी बोट्स होते हैं उनमें फ्यूल देने का काम करता है। उधर उत्तरी गाजा पट्टी में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो चुका है। बीते दिनों ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकों ने सुरंगों से निकालकर ग्यूरिला वॉर किया और फिर छिप गए। इसके बाद आईडीएफ ने उस पूरे इलाके में हमास के सुरंगों को ढूंढ निकाला और उन्हें तबाह कर दिया। इस दौरान हमास के 15 लड़ाकों और आईडीएफ के बीच में गोलीबारी हुई जिसमें हमास के कई लड़ाके मारे गए। आईडीएफ ने हमास की 3 वॉच टॉवर को भी नेस्तनाबूद कर दिया। तो उत्तरी गाजा में हमास के कई लड़ाके मारे जा चुके हैं, युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में आईडीएफ ने गाजा में हमास के 3 वॉच टॉवर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। पहले ही कहा गया था कि जमीन से लेकर आसमान तक बदला जो है वो लिया जाएगा। इन सब के बीच में उत्तरी गाजा में हमास के कई लड़ाके मारे जा चुके हैं जिसमें कई बड़े लीडर्स तक शामिल है जो हमास के रह चुके हैं। तो उत्तरी गाजा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ तौर पर पता चल रहा है कि आखिर किस तरीके से हमास के ठिकानों को चुन चुनकर तबाह किया जा रहा है। और कल हमास की तरफ से इजराइल बॉर्डर पर मौजूद एक